हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स यूज होते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने हैं, जो राजस्थान पीसीएस और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको जो एक बेल आइकन जरूर दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे न्यू न्यू वीडियोज़ के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आइए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि द मेन इन्ग्रीडियंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, तो इसमें हमको ये बताना है कि मेन इन्ग्रीडियंट सीमेंट में कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, लाइम एंड आयरन। तो इसका सही आंसर है ए, जिसमें कि लाइम होता है 62-67% एंड सिलिका होता है 17-25%। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन सी। बिकॉज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है, ये एक तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रेट से कराता है, ओके, ये 3 दिन में ही 210-220 के राउंड में किलो कैलोरी एनर्जी को हाइड्रेशन में निकालता है, ओके। तो फ्रेंड्स, और ये क्या करता है, ये सल्फेट के साथ भी रिएक्ट करके हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक भी डेवलप कर देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ली चार्टलर डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग दी, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। तो ये एक डिवाइस होती है जो एक साउंडनेस मतलब किसी भी कितना वेरी कर रहा है, तो उसके साउंडनेस को मतलब उसके वॉल्यूम चेंज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडिशन ऑफ पोजोलोनास टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज, क्या इंक्रीज करता है, ब्लेंडिंग, श्रिंकेज, परमेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, श्रिंकेज, ओके। अगर हम पोजोलाना ऐड करते हैं तो वो हमारे श्रिंकेज इंक्रीज कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर अमाउंट ऑफ द एंट्रेंट एयर इन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स, मतलब कॉन्क्रीट में जिस टाइम पे उसकी कॉन्क्रीटिंग की जाती है किसी भी स्ट्रक्चर में, अगर उसमें एयर एंटर्ड करते हैं तो उसमें क्या इंक्रीज कर देता है, वो किस चीज़ के रिजल्ट्स को इंक्रीज करता है, ठीक है, अमाउंट को एंटर इन द एयर कॉन्क्रीट रिजल्ट्स किस में, बेटर वर्कबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस ऑफ द फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, लेजर वर्कबिलिटी, लेस रेजिस्टेंस ऑफ द फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए, मीन्स बेटर वर्कबिलिटी और बेटर रेजिस्टेंस ऑफ द फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी टाइम के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा, ओके फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज, ओके। तो इसमें बात करते हैं रिटार्डर, क्या रिटार्डर यूज हम करते हैं जो उसमें सीमेंट में, कौन से रिटार्डर को यूज करते हैं, मतलब जो एक उसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम को कम कर दे, तो वो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कॉन्क्रीट, जो इनिशियल सेट ऑफ कॉन्क्रीट है उसको इंक्रीज करने के लिए हम कौन से एडमिक्सचर ऐड करते हैं, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, ये रेट ऑफ हाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा स्पीडली करा देता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन बहुत हाई होना शुरू हो जाता है और वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कम हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज शुड नॉट बी लेस देन 7 MPa, 11.5 MPa, 26 MPa, D 21 MPa। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 26 MPa। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ द सीमेंट, अगर हम फाइननेस इंक्रीज कर दें सीमेंट की तो क्या होता है, ऑप्शन ए रिड्यूस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू द हायर श्रिंकेज, ऑप्शन बी इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड रिड्यूस द रेट ऑफ डिटोरेशन,
एंड ऑप्शन सी डिक्रीज द रेट ऑफ स्टैंड डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द ब्लीडिंग ऑफ द सीमेंट, एंड ऑप्शन डी इंक्रीज द रेट ऑफ स्टैंड डेवलपमेंट एंड लीड्स द हायर श्रिंकेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंक्रीज द रेट ऑफ स्टैंड डेवलपमेंट, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ को तो वो बढ़ा ही देता है, क्योंकि फाइनल जैसे हम उसके बढ़ाते हैं तो उसमें पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस क्योंकि फाइननेस ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा होंगे, तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी बॉन्डिंग अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि जितने फाइन वो होंगे वो अच्छे से एक दूसरे को ज्वाइंट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड बना सकते हैं, एंड लीड्स द हायर श्रिंकेज, और उसको श्रिंकेज को बट श्रिंकेज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा है तो श्रिंकेज भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलेस सीमेंट एज पर IS स्पेसिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो इनका राइट आंसर मे भी आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 मिनट्स। एंड फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए वो कितना होता है, वो होता है 10 आवर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, इसमें कुछ डिवाइसेस के और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, वो किस किस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ली चार्टलर किस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, विकार्ड निडल विद एनुअल कॉलर, एक एनुअल कॉलर के साथ उस किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी VB टेस्ट ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, और ब्रोक्यूरेट टेस्ट मशीन। अब इनकी अब इसमें आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको इसमें 2 या 3 टेस्ट के बारे में पता तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं SSC JEE वगैरह, लेकिन अगर हायर एग्जाम में तो वहाँ पर आपको सब के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे ली चार्टलर है, ये क्या होता है अभी आपने पीछे देखा था, ये होता है साउंडनेस ऑफ द सीमेंट, ऑप्शन ए का 2। अब ऑप्शन ए का 2 जो है वो दो आंसर्स में मिल रहा है, हम ऐसे नहीं कर सकते। अब ऑप्शन या तो बी पे आ जाओ, ये होता है विकार्ड निडल विद कॉलर, ये क्या के लिए होता है, ये होता है आपकी फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे मैच हो रहा है, तो आप इसको आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी। ओके मैं VB की टेस्ट की बात कर रहा हूँ, VB टेस्ट एक क्या होता है, एक स्लंप टेस्ट की तरह होता है, जिसमें हम स्लंप जैसे टेस्ट करते हैं, तो ये वर्केबिलिटी के लिए होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है VB, उसको इंस्ट्रूमेंट में बोलते हैं, तो उसकी तरह ये वर्केबिलिटी ही मेजर करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट 1 शुड टेस्ट फॉर, मतलब अगर हम टेस्ट करते हैं सेटिंग टाइम किस सीमेंट का, तो उससे पहले हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स वो तो सिंपली पता होता है विकार्ट एपरेटस से, कौन सा होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, उसको हम कंसिस्टेंसी सीमेंट की कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं, उसके बाद उसका इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट किल, मतलब जो सीमेंट को बनाया जाता है जिस टाइम पे उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसका उसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है उसके किल का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1300 से 1500 डिग्री। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट डिपेंड्स मोस्ट ऑन, इस पे डिपेंड करता है मोस्टली, ये आपको बताएगा इनिशियल सेटिंग टाइम किस पे मोस्टली। तो इसका राइट आंसर वैसे आपको बता दिया आज मैंने कि हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि सेटिंग टाइम डिपेंड करता है हाइड्रेशन पे, रेट ऑफ हाइड्रेशन कितना हाई है, और हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन एक रिएक्शन होती है जो वाटर जब सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं तो उस टाइम पे एक रिएक्शन होती है, उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो वो किसका ज़्यादा, रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का बहुत ज़्यादा होता है, इसका राइट आंसर है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो फ्रेंड्स आओ नाउ फ्रेंड्स, जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के दिखा देता हूँ, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका लाइम, लाइम कितना होता है 62 से 67% होता है, फिर सिलिका 17 से 25%, एंड एलुमिना ये होता है 3 से 8% होता है, कैल्शियम सल्फाइड 3 से 4%, एंड आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 से 3%, एंड सल्फर जो होता है सल्फर ट्राई कुछ और फॉर्म्स में भी होता है जो 1 से 3% तक होता है लगभग, और एल्कनाइज जो मेनली होता है वो सोडियम के एल्कनाइज होते हैं, और पोटेशियम के जो 0.2 से 1% के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी यूजफुल डाटा मिला होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।